दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के शुरू होने से पहले रातों रात ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे मोहम्मद शमी के साथ महेंद्र सिंह धोनी। वजह जानकर उड़ जाएंगे आपके भी होश। जी हाँ दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज खेली जाने वाली है, जिसके लिए दोनों टीमें पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हैं। लेकिन इस बीच रातों रात महेंद्र सिंह धोनी के साथ मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया की धरती पर पहुंच चुके हैं। आखिरकार ऑस्ट्रेलिया की धरती पर मोहम्मद शमी और महेंद्र सिंह धोनी क्यों पहुंचे हैं, उसकी वजह तो हम आपको बताएंगे ही। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली में से कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैच की टेस्ट सीरीज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत खेली जाने वाली है, जो 22 नवंबर से 7 जनवरी तक खेली जाएगी। ऐसे में इस टेस्ट सीरीज के शुरू होने से पहले दोनों टीमों का ऐलान हो चुका है और दोनों उन्होंने अपनी तैयारियों को मजबूत कर दिया है। हालांकि भारतीय टीम इस टेस्ट सीरीज के लिए अब तो ऑस्ट्रेलिया की धरती पर पहुंच चुकी है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर आप बात करें तो भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा कप्तानी करते हुए दिखाई देने वाले हैं, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से पैट कमिंग्स कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में अब टेस्ट सीरीज के शुरू होने से ठीक पहले भारतीय टीम के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, जहां पर रातों रात भारतीय टीम के अंदर महेंद्र सिंह धोनी और मोहम्मद शमी की एंट्री हो चुकी है और उसके पीछे बड़ी वजह शामिल है। दरअसल भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले 2 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को जीत चुकी है। ऐसे में यहां पर भी जीत दर्ज करने के साथ भारतीय टीम डोमिनेट परफॉर्मेंस करने वाली है। ऐसे में इसी कारण से महेंद्र सिंह धोनी और मोहम्मद शमी दोनों को ऑस्ट्रेलिया की धरती पर भेज दिया गया है, जहां पर लंबे समय से क्रिकेट से दूर चल रहे मोहम्मद शमी की वापसी टीम के अंदर हो चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मोहम्मद शमी ने आखिरी बार 19 नवंबर 2023 को वर्ल्ड कप में फाइनल में भारतीय टीम के लिए मैच खेला था और इसके बाद में चोट के चलते बाहर हो गए थे। ऐसे में अब वो पूरी तरीके से फिट हो गए हैं और रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, जिसके चलते पहले मैच में उन्होंने 7 विकेट लिए, जिसके चलते उनको भारतीय टीम के अंदर शामिल किया जाने वाला है, जिसके चलते भारतीय टीम की गेंदबाजी पक्ष मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी को भी अब भेज दिया गया है, क्योंकि ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन निकलवाने के लिए महेंद्र सिंह धोनी को भेजा गया है, जो टीम के लिए मेंटर की भूमिका निभाएंगे। ऐसे में अब महेंद्र सिंह धोनी और गौतम गंभीर की जोड़ी भारतीय खिलाड़ी इस सीरीज़ के अंदर बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी के आ जाने से भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज अपने नाम कर सकती है या फिर नहीं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।